इजी और आसान रेसिपी के लिए सब्सक्राइब करें अरोमा के चैनल को। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, सो प्रेस द बेल आइकन। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू मेक हरियाली चिकन। सेकंड रेसिपी बना रहे हैं हम हरियाली चिकन की। सबसे पहले हमने अपने चैनल पर हरियाली चिकन डाल दिए थे, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर मौजूद है, पर अब हम दोबारा इसको अपलोड कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हम नए तरीके से बना रहे हैं हरियाली चिकन, व्यूअर्स की बहुत ही रिक्वेस्ट आई थी। तो इसके लिए हमने चिकन लिया है जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, और ये 300 ग्राम है। वो सब ने आपको दिखाने के लिए बनाया है, वैसे ये हमने सबसे पहले ही बना दिया था। और ये हमने एक स्मॉल साइज़ की अनियन यानी प्याज ली थी, उसको हमने फाइनली चॉप कर लिया था। ये योगर्ट यानी दही चाहिए हमें, ये होगा 2 से 3 टेबलस्पून हमने योगर्ट लिया है। ग्रीन चिलीज ली हैं हमने, 2 ग्रीन हॉट वाली ली हैं और 2 हमने 2-3-4 हमने मोटी वाली ली हैं, थोड़ी ये कम तीखी होती हैं। और 1 हैंडफुल हमने बंच जो लिया है कोरिएंडर यानी हरे धनिए का लिया है, और 2 हमने स्प्रिंग अनियन यानी आल की प्याज ली है, इससे टेस्ट इसका काफ़ी बढ़ जाता है। इस मसाले को सबसे पहले हम ग्राइंड कर लेंगे अपने मिक्सी में, और जिंजर गार्लिक पेस्ट हमें चाहिए होगा जो हमने पहले से पीस के रखा हुआ है। ये देखिए हमने अपने मिक्सी में इस मसाले को हमने पहले से ग्राइंड कर लिया है, अब हम इसे बनाते हैं। एक पैन में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर लिया है जो कि वेजिटेबल ऑयल है, आप चाहें घी में बना सकते हैं। अब जैसे ही हमारा ऑयल गरम होता है हमने उसके अंदर प्याज डाल देनी है जो हमने चॉप की थी, और इसके 2-3 मिनट्स तक ही हम इसे स्टर करेंगे यानी सौते करेंगे। और जैसे ही हम देखते हैं हमारी प्याज जो है थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, सॉगी हो गई है, ये आप देख सकते हैं। इसमें स्पाइसेस ही हमने लिए हैं, 1 टीस्पून हमने जो लिया है ये धनिया यानी कोरिएंडर पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून हमने सॉल्ट लिया है, 1/2 टीस्पून हमने जीरा यानी क्यूमिन लिया है, 1 पिंच ऑफ हमने टर्मरिक यानी हल्दी ली है, और ये 4-5 हमने ब्लैक पेपर लिया है जो हम पहले से ही डाल देंगे प्याज में, और 3-4 हमने क्लोव्स लिए हैं यानी लौंग, और हमने 1/2 टीस्पून इसमें गरम मसाला भी डाला है, वो हम बाद में डालेंगे मसाला। अभी हमने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है क्योंकि सॉल्ट अगर आप प्याज में ही डाल देंगे तो प्याज हमारी जल्दी गलती है यानी पिंकिश जल्दी हो जाती है, और इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है। ये एक टिप है, जब भी आप प्याज को सौते करें आप उसमें सॉल्ट ऐड कर लीजिए। फिर 2-3 मिनट्स के बाद हमने 2 टीस्पून हमने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, उसको भी 2 मिनट के लिए सौते करेंगे। जब इसमें खुशबू आने लगे भुनने की, जैसे हम लहसुन अदरक जो भूनते हैं, उसके बाद ही हमें फ़ौरन अपना चिकन ऐड कर लेना है। और 2 मिनट तक हम इसको ऐसे ही भूनेंगे, इसका कलर चेंज हो जाता है। जैसे ही हमारा चिकन का कलर वाइट हो जाता है, ये देख सकते हैं आप हमारा चिकन वाइट हो गया है। यहाँ पर हम अपने जो ग्रीन स्पाइसेस है यानी हरे मसाले जो हमने पीसे थे वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और अपने मसाले को हम जब तक भूनेंगे जब तक हमारा जो ऑयल है वो सरफेस पर ना आ जाए, यानी जो हमारा जो मसाला जो भुनता है, इसको हम जो कहते हैं कि ना मसाला जब तक भुन ना जाए, जब तक इसका ऑयल सरफेस पर दिख ना जाए, तो मसाला अच्छी तरह भुनता नहीं और डिश में टेस्ट भी नहीं आता। थोड़ी देर के लिए हमने इसे कवर किया तो, और ये आप देख सकते हैं ऑयल सरफेस पर आ गया है और मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन गया है। आप चाहें तो दही भी साथ में ही डाल सकते हैं, पर हम बाद में दही डालते हैं मसाला भुनने के बाद। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक कुक करना है, यानी कि जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए, टेंडर हो जाए, क्योंकि उसके बाद दही डालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मसाला भुनने के बाद अब हमने जो दही को फेंट लिया है अच्छी तरह से, इसमें कोई गुठली या कोई लम्ब नहीं होनी चाहिए,
और दही का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल कर लीजिए, बिल्कुल ठंडा दही नहीं डालते वरना वो कर्डल हो जाता है। अभी आप देख सकते हैं दही हमने इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे 5 to 7 मिनट्स के लिए और कुक करेंगे ताकि जो हमारा दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और हमारा जो चटनी है ग्रेवी है वो ड्राई हो जाए। मीडियम फ्लेम पर हमें बनाना है, इस वक्त कवर भी कर सकते हैं आप, ये हमने कवर कर दिया है, और चाहे तो खोल कर बनाएंगे तो जल्दी पानी इसका उड़ता है। ये देखिए इसमें बॉयल आ रहा है इस वक्त, बीच में हमने खोल कर इसमें हमने कसूरी मेथी यानी फेनुग्रीक डाली है, इससे इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाता है, इसका टेस्ट और बढ़ा देगी। वैसे ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। ये आप देख सकते हैं जितनी थिक आपको उसकी ग्रेवी रखनी है, आप चाहें तो और इसे सिमर कर सकते हैं और चाहें तो ऐसे ही इसकी ग्रेवी पर उतार सकते हैं अपनी डिश को। इस स्टेज पर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून के अराउंड हम बटर डाल देंगे, इससे ये भी इसका टेस्ट और बढ़ा देगी बटर से। रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे ये हरियाली चिकन तैयार हो रहा है। अभी देख सकते हैं स्टेज पर जो हमारी ग्रेवी काफ़ी थिक हो गई है और बहुत ही अच्छा हमारा हरियाली चिकन बन गया है। यहाँ हमने स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले को आग पर गरम करके और इसमें डालकर इसे इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, जिससे इसका जो है स्मोकी धुनी जो होती है स्मोकी फ्लेवर आ जाता है, और ये बहुत ही मज़ेदार डिश बनी है व्यूअर्स। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए मेहमान हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।